जब बुरे लोगों से पाला पड़ता है तो लोग अक्सर अच्छे लोगों से भी डरते हैं। इंसान तो घर घर में पैदा होते हैं, पर इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। बोगे खुशियां तो हाँसे उगेंगे, जलाओ ऐसे दिए प्यार के जो कभी न बुझे। पता नहीं आजकल जिंदगी में फिक्र है या फिर फिक्र में जिंदगी। कई बार जिंदगी में एक अच्छा दोस्त आ जाने से भी बड़े बड़े दुख दूर हो जाते हैं। मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता और बुरी नीयत वाला कभी संतुष्ट नहीं होता। मिडिल क्लास परिवारों में मुसीबतें हमेशा टॉप क्लास ही होती हैं। उदासियों से कहो कि कोई और चेहरा ढूंढ ले, क्योंकि हमने अब गमों में भी मुस्कुराना सीख लिया है। मन चाहा पाने के लिए चाहना भी मन से ही पड़ता है। आजकल के रंगों में वो रंग कहाँ जो रंग लोग बदलते हैं। चालें तो भले कोई कितने भी चल ले, पर ये हमेशा याद रखें कि ताश उस परमात्मा के हाथ में ही है। इंसान की शिकायत है कि परमात्मा मेरी प्रार्थना उसी वक्त नहीं सुनता, तो प्रभु ने हंसकर कहा, मैं तुम्हारे गुनाहों की सजा भी उसी वक्त नहीं देता। हर शख्स से ही प्यार हो जाए ये मजबूरी तो नहीं, और जिसे हम चाहें वो भी हमें चाहे ये ज़रूरी तो नहीं। ज़िंदगी में दो तरह के लोग बड़े अहम होते हैं, एक वो जो आपको मौका देते हैं और दूसरे वो जो आपको धोखा देते हैं। वो शख्स आम नहीं होता जिसे हराने के लिए लोग कोशिशें नहीं साजिशें करें। अपने रिश्तों को समय दीजिए, ताजमहल लोगों ने देखा है, मुमताज ने नहीं। गलतियां करो वो सबसे होती हैं, पर किसी के साथ गलत मत करो। मन भी पानी जैसा होता है, जैसे अशांत पानी में कुछ भी नहीं देखा जा सकता, और अगर ये शांत हो जाए तो सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। परमात्मा ने सभी को एक ही मिट्टी से सिरजा है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई अंदर से सुंदर है कोई बाहर से। जो खुददारी से जीते हैं उनकी उम्र बहुत कम होती है। शुक्र करने से जाता कुछ भी नहीं और मिलता बहुत कुछ है। इसी तरह चिंता करने से मिलता कुछ नहीं और जाता बहुत कुछ है। आज़ादी की उड़ान इतनी भी ऊंची नहीं भरनी चाहिए कि संस्कारों की ज़मीन नीचे ही रह जाए। जो खुश ना रहना चाहता हो उसे कोई खुश नहीं कर सकता, और जो खुश रहना चाहता हो उसे कोई दुखी नहीं कर सकता।